बता रही हैं, जहां पर आरोपियों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। आरोपी की सूचना पर पुलिस ने खेत को घेरा। ओमी थाना क्षेत्र का मामला है। 10,000 का इनामी आरोपी खेत में छुपा हुआ है। बालूपुरा आठ घाट के कुएं के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बाजरे के खेत को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे लगभग 10,000 का इनामी आरोपी दलीप यादव को पुलिस ने बाजरे के खेत में घेर लिया। गोलीबारी जारी है। गोरमी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रपाल जुड़ चुके हैं संवाददाता भिंड से। चंद्रपाल जी, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल पुलिस ने खेत में आरोपियों को घेर रखा है, फिलहाल का माहौल क्या है वहां का? जी अनन्या, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त यहाँ पे घटना स्थल पर रही हूँ और यहाँ पे जो गोरमी थाने के अंतर्गत बालूकपुरा गांव है, यहीं पे आठ घाट का एक कुआ है, इसके पास एक बाजरे का खेत है। तो बाजरे के खेत में पुलिस ने चारों तरफ से उस बाजरे के खेत को घेर लिया है और उसकी जारी है। सचिन जी, चंद्रपाल जी, इसी के साथ क्या अभी तक कोई आरोपी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है पुलिस के? नहीं, अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है और उस बाजरे के खेत को घेर रखा है पुलिस ने चारों तरफ से। आरोपी जो 10,000 का इनामी आरोपी है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? इसको मुखबर की जैसे ही सूचना मिली थी, तो जैसे ही पुलिस के मुखबर द्वारा सूचना मिली तो पुलिस वहां पे मौके स्थल पर पहुंची और जिले की पुलिस भी यहां पे है, तो यहां पे पुलिस का बल, भारी पुलिस बल तैनात है। जी धन्यवाद चंद्रपाल जी, तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बाजरे खेत के आसपास घेराबंदी करके रखी है। एक आरोपी जो है 10,000 का इनामी आरोपी है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो जुटी हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। 10,000 का इनामी आरोपी बताया जा रहा है।